अपनी मौत से कुछ बरस पहले नवाब अली वर्दी खां बीमार पड़ गए। अली वर्दी खां की पत्नी बेगम सरफ उन निसा और पोते सिराजुद्दौला हमेशा अली वर्दी खां के दरबार में हाजिर रहते थे। इन मराठाओं ने तो नाक में दम कर रखा है। जहां पना ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते, अचानक हमला कर देते हैं। पहले से कुछ भी कहना मुहाल है। लेकिन रियाया का क्या होगा? वो तो बेजार है। जंग फिर से लड़ाई छेड़ी जाए। ज्यादातर लेखकों ने अपने लेखों में सिराज को एक बदमिजाज, दुष्चरित्र, क्रूर और अय्याश नवाब के रूप में दर्शाया है। सिराजुद्दौला बिहार के नवाब बने, परंतु इससे पहले कि वो राजकाज संभालें, अली वर्दी खां ने अपने विश्वस्त जानकी राम को बिहार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया। शहजादा होने के बावजूद सिराज अली वर्दी खां के सिपहसालारों पर हुक्म चलाने से भी पीछे नहीं हटता था। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अंग्रेज एक दिन हमारे सुनहरे हिंदुस्तान की सरजमी को रेगिस्तान में तब्दील करके रख देंगे। मैंने दादा हुजूर से पहले भी कहा था कि अंग्रेजों का यह लुका छिपी वाला व्यापार एक दिन हमारे व्यापार को ले डूबेगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था कि अंग्रेज व्यापारियों ने दूसरों की नौकाओं और जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। कंपनी के अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों ने बिना महसूल दिए अपना निजी व्यापार शुरू कर दिया। ऐसे वक्त में सिराज ने राज्य संभाला और अंग्रेजों की कारगुजारियों से बहुत सख्ती से पेश आए। गर्वान्वित नवाब और लालची विदेशी व्यापारियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हो गई। सिराजुद्दौला को एहसास हो चुका था कि अगर कलकत्ता के फोर्ट विलियम को तबाह नहीं किया गया तो अंग्रेज व्यापारी इसे और भी खतरनाक बना देंगे। वो ये भी समझेंगे कि नवाब कायर है। 18 जून को नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी पूरी फौज के साथ फोर्ट विलियम के लिए कूच किया। नवाब की फौज की तोपें गरज उठी। बरतानवी फौजियों ने मुकाबले की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। बाद में हॉलवेल ने कलकत्ता मुहिम के बारे में एक दास्तान गढ़ी जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम उसने दिया। उसने लिखा कि कलकत्ता में नवाब के फौजियों की जीत के बाद तकरीबन 146 अंग्रेजों को छोटे से कमरे में कैद रखा गया। इस वजह से कई फौजियों की मौत हो गई। कलकत्ता की कामयाब मुहिम के बाद सिराजुद्दौला ने अवाम की भलाई के लिए वक्त देने का इरादा किया, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका क्योंकि षड्यंत्रकारियों की मदद से अंग्रेज व्यापारियों और भाड़े के सिपाहियों ने कलकत्ता पर फिर से कब्जा करने का फैसला किया। इस बार अंग्रेज कब्जा करने में कामयाब रहे। अंग्रेजों ने मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद उर्फ ओमी चंद से साठ गांठ कर सिराज का तख्ता पलट करने का फैसला कर लिया। सिराज ने भी जंग की ठानी और पलासी की तरफ फौज कूच कर गई। 23 जून 1757 की सुबह 7 बजे उमसाई गर्मी के दौरान जंग का आगाज। टेक योर पोजीशन। मिर्जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ, ये तीनों मौजूद तो थे लेकिन इन्होंने पलासी की जंग में हिस्सा नहीं लिया। ये तीनों चुपचाप खड़े जंग का जायजा लेते रहे। दिन खत्म होने को नवाब, बेहतर होगा कि आप जंग को खत्म करने का हुक्म दें। कल सुबह सुबह हम उन पर हमला बोलेंगे। तो ठीक है, फिर ऐसा ही करो। शाम के 5 बज चुके थे। नवाब की फौज की शिकस्त हो गई और मैदाने जंग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। नवाब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से निकल पड़ा लेकिन भगवान गोला में दुश्मनों की गिरफ्त में आ गया और मिर्जाफर के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग के हाथों उसे कत्ल करवा दिया। पलासी की जंग को उन घटनाओं का
आरंभ समझा जाता है जिससे भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य और उनकी जीत का दौर शुरू हुआ।